नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स पे। तो अभी अभी एक ऐसी न्यूज़ मैंने पढ़ी है जो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये हो रहा था ना कि लोअर और लेखपाल की वैकेंसियाँ जनवरी के लास्ट में आ जाएंगी ना दोनों, तो एटलीस्ट लोअर की तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी थी कि लोअर के वैकेंसीज में भी आपको 31 जनवरी से पहले पहले देखने को मिल जाती। लेकिन जैसा आपको पता है कि केंद्र सरकार का जो नया फैसला था कि सवर्णों को या फिर जो भी सवर्ण नहीं जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के गरीब लोग थे उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा, तो गुजरात ने सबसे पहले चालू कर दिया था। और गुजरात के बाद 14 जनवरी को अभी सॉरी जो कल मीटिंग हुई थी उसमें जो यूपी गवर्नमेंट थी उसने भी इसको अप्रूवल दे दिया है। तो इसकी वजह से अब जो भी वैकेंसी आने वाली थी वो सबकी सब लटक गई हैं। ठीक है, परेशान मत होइए ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, फिर से उनका एलोकेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए हार्डली 15 मे बी कि 1 से 1.5 महीने तक का टाइम लग सकता है। तो जो अभी आपकी जो वैकेंसी आने वाली थी वो अभी फ़िलहाल के लिए तो टल गई हैं। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे रहिए, उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी आप कहेंगे कि ये न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज अमर उजाला में ये न्यूज़ छपी। आप देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा 10% आरक्षण को सैद्धांतिक सहमति देने से नई प्रक्रिया जहाँ तहाँ रुक जाएगी। सिर्फ नई प्रक्रिया की बात करी गई है, जो चल रही है, जो आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो चुका है, जो आपका सुपर टेट हो चुका है, उन सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनमें आरक्षण नहीं लगने वाला। जब तक राज्य सरकार सामान्य गरीबों के आरक्षण की पात्रता के संबंध में शासनादेश या अधिसूचना जारी नहीं करती है, तब तक राज्य भर्ती आयोग और विभाग किसी भी स्तर पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएंगे। अब नए भर्ती विज्ञापन के लिए रिक्त पदों में आरक्षण का वर्गीकरण नए सिरे से करना होगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि अब पोस्टें फिर से एलोकेशन करना उनको पड़ेगा। हालांकि जो विज्ञापन हो गए हैं उनकी प्रक्रिया जारी रहेगी। इसका मतलब कि जो चल रहा था, जो ऑलरेडी चल रहा है उस पर कोई काम प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ जो भी आपकी नई वैकेंसियाँ थी उन पे अब तलवार लटक गई है मे बी 1 से 1.5 महीने के लिए, क्योंकि अभी अधिशासन जो अधिसूचना होती है शासनादेश होता है वो जारी होगा। मे बी कि कुछ ये अपनी एलिजिबिलिटी अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, उसको घटा बढ़ा सकते हैं उसके हिसाब से। फिर जो वैसे मान लो कि 1000 पोस्टें थी उसमें से 100 SC के लिए, 150 BC के लिए, 100 ये जो नया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इनके लिए, तो इन सब करने के बाद और मे बी। लेकिन हाँ इससे एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि वैकेंसियाँ शायद बढ़ा दी जाएँ। ठीक है, जैसा अभी आपने देखा था कि जो आपकी HRD मिनिस्ट्री है इन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी IIT हैं जितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं सब में 25% सीट्स का इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो ये एक काफ़ी बड़ी खुशखबरी आपके लिए हो सकती है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ सकती हैं। ठीक है, आप बिल्कुल इस बात को हल्के मत लीजिएगा, हो सकता है कि आपको 100 से 150 सीटें हर वैकेंसी में ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कभी लोगों को ठगा सा महसूस ना करें बच्चे अपने आप को कि यार आरक्षण की वजह से साथ मेरा किसी का नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए सीटें आपकी बढ़ाई जा सकती हैं। तो अभी जो नई डेट हो सकती है वो क्या हो सकती है, तो नई डेट मेरे अकॉर्डिंग देखो ज़्यादा डिले तो नहीं करेंगे, क्योंकि वैकेंसियाँ हर जगह से आ चुकी हैं, थोड़ी बहुत बढ़ानी होगी तो वो बढ़ा देंगे। और जब मेरे हिसाब से अभी 1 महीने का टाइम और लग सकता है। ठीक है, अब जो भी चीज़ें आपकी जैसे मान लो कि आपका लोअर जो है जनवरी लास्ट में आने वाला था, तो अब शायद फरवरी लास्ट या फिर मार्च के पहला फोर्टनाइट पहले पखवाड़े में आ सकती हैं। ठीक है, तो इतना सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेके ही आयोग फिर से वापस आएगा। ठीक है, तो बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सभी अपने दोस्त जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस न्यूज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ अच्छी खबर है तो कुछ बुरी खबर है, ठीक है, मिक्स टाइप की ये खबर है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पढ़ाई अपनी चालू रखिए। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।